फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड का रसगुल्ला। बहुत ही इजी रेसिपी है, ब्रेड से आसानी से हम घर पे रसगुल्ला बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख लें यहाँ पर ब्रेड है, ये चार स्लाइस है ब्रेड की, हाफ कप मिल्क है, 1 कप वाटर है, ये पाउडर्ड शुगर है 2 चम्मच, और ये शुगर लेना है हमें 1 कप, ये देखिए सॉलिड शुगर है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो ब्रेड के साइड्स है उसे निकाल लेना है कट करके नाइफ से। इस तरह से सारे ब्रेड्स के साइड्स निकाल लेना है। देखिए हमने सारे ब्रेड के जो साइड्स थे वो निकाल लिए हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रेड की स्लाइसेस थे उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, और हमें इसे आटे की तरह एक फाइन डो बनाना है। इसलिए इसके पीसेस को छोटा करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आसानी से मैश्ड अप हो जाएं। हम इसे दूध से सानेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा दूध लेकर इसे अच्छी तरह से मैश्ड अप करना है और एक आटे की तरह का डो बनाना है। होने के बाद अब हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसे इसका फाइनल डो बनाएंगे। आपको 5 से 7 मिनट तक इसे गूंथते रहना है। डो है हमारा, वो रेडी हो गया है। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख देना है। अब हमें एक पैन में पैन को हीट करना है। उसमें हम ऐड करेंगे जो हमारा वाटर था और जो हमारी शुगर थी, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और शुगर मेल्ट होने तक ही हमें इसे कुक करना है, हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। ज़्यादा कुक करने से जो हमारी चाशनी है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, लेकिन हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है चाशनी को, इसलिए हम सिर्फ शुगर मेल्ट होने तक पकाएंगे। और हमें गैस को लो फ्लेम पर रखना है। यहाँ पर जो शक्कर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। रसगुल्ले की जो चाशनी है वो आप खाते होंगे, वो पतली ही होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती, तो हमें उसी हिसाब से बनाना है। देखिए शुगर जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे कट करके छोटा छोटा सा बॉल बना लेंगे। डो को रख के हमको 10 मिनट हो गया है। इस तरह से अगर आप पीसेस में पहले कट कर लोगे तो आपका जो बॉल है वो सेम साइज का बनता है, छोटा बड़ा नहीं बनता।
देखिए इस तरह से आपको सारे पीसेस के बॉल बना लेने हैं। बॉल्स बना लिए हैं, बॉल्स एक एक करके चाशनी के अंदर डालने हैं ताकि जो चाशनी है वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और हमें 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर कुक करना है जिससे जो चाशनी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से अंदर। मिनट हो गया है, देखिए ये जो है वो फूल कर बड़ी साइज में हो जाता है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसे डिश आउट कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे ठंडा करेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी, आप लोग इजीली घर पर ब्रेड से तैयार कर सकते हो इसे। तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड दुआ में आप